हेलो स्टूडेंट्स, आई सोहम चौधरी, लेक्चर सिविल डिपार्टमेंट, प्रवीण पटेल कॉलेज ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विल टीच यू अबाउट डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस पार्ट 3. सो ओवर हियर यू वी विल स्टडी अबाउट वॉल्स एंड पिलर्स सब्जेक्टेड टू विंड प्रेशर. सो नाउ इन योर टेक्स्ट बुक टाइप 4 टिल टाइप 7 इज सिमिलर टू ईच अदर, जस्ट द डिफरेंसेस ऑफ द शेप. For example, in type 4 you are given with rectangular sections, type 5 you are given with hollow rectangular sections, type 6 circular, and type 7 is hollow circular sections. For all these 4 types, you have to follow the steps which I have written over here. That is, if I am talking about rectangular section, for rectangular masonry pillar of height h acted upon by the lateral wind pressure P, I can say that B is the width of the pillar, D is the thickness of the pillar. We will be need to calculate P. Either we can calculate it or either it will be given to you in question. That is wind pressure x perpendicular to the vertical surface, A area of cross section, E density of material used for masonry, V will be the volume of pillar, which is area multiplied by the height, P that is total wind load on the pillar at h by 2. That is also equal to P multiplied by projected area, which is equal to P into DH. M will be the moment on the base due to wind pressure, and again resultant stress will be sigma naught plus minus sigma b, that is direct stress plus minus bending stress due to the weight moment M of the material. So let's start with the problem. I assume that there might be some doubts in the steps, but once we follow these steps in this numerical, we will be able to understand it thoroughly. So the problem one states, a masonry wall 10 meter high, 3 meter wide and 1.5 meter thick is subjected to wind pressure of 1200 newton per meter square. Find the maximum and minimum intensity induced at the base if the unit weight of masonry is 20 kilonewton per meter cube. तो देखो, अभी आपके पास एक मशीनरी वॉल है जिसका हाइट आपको 10 मीटर दे दिया है, 3 मीटर वाइड है एंड 1.5 मीटर थिक है. तो अगर आप प्लान देखोगे, डायग्राम में प्लान दिया हुआ है, तो 3 मीटर आपको उसको विड्थ दिख रहा है, 1.5 मीटर थिक दिख रहा है, उसका हाइट आपको 10 मीटर्स दिख रहा है. इट इज़ अगेन सेड कि आपका जो विंड प्रेशर एक्ट कर रहा है, इट इज़ 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का विंड प्रेशर आपको साइड फेस पर लग रहा है. ऑब्वियसली विंड आपका जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में आपके बिल्डिंग को लगेगा. अगेन आपको वेट ऑफ मशीनरी दे दिया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिख लेना है, दैट इज हाइट ऑफ द वॉल, विड्थ एंड थिकनेस, विंड प्रेशर एंड मशीनरी का डेंसिटी. तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया है. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, बिकॉज वी नो कि रेक्टेंगल का एरिया b इंटू डी होता है, तो मैंने b इंटू डी कर दिया, दैट इज़ 4.5 मीटर स्क्वायर. आपको वॉल का वेट कैलकुलेट करना है, तो वॉल का वेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी. तो डेंसिटी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज़ 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो अभी आपके पास एरिया 4.5 मीटर स्क्वायर आ गया, हाइट आपके पास 10 अवेलेबल है और 20 आपका डेंसिटी है. सो द टोटल वेट विच इज़ एक्टिंग ऑन द वॉल इज 900 किलो न्यूटन, और आई कैन से वेट ऑफ द वॉल इज 900 किलो न्यूटन. नाउ टोटल विंड लोड पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया. अभी ये प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब ये होता है जिस फेस पे आपका विंड लोड एक्ट करने वाला है. तो आई कैन से इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, नाउ लुक, इट इज़ एक्टिंग ऑन 1.5 मीटर साइड. अब ये 1.5 मीटर साइड थ्रू आउट द हाइट एक्ट करेगा, तो द एरिया विल बी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10. तो आपका प्रोजेक्टेड एरिया आ गया 1.5 इंटू 10, और आपके पास पी का वैल्यू दिया हुआ है 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो इट बिकम्स 18,000 न्यूटन. और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ऑलवेज एट द सी जी. तो सी जी रेक्टेंगल का सी जी कहाँ पे आता है, एट द सेंटर. सो नाउ इट दिस बिकम्स मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स आपका पी एक्ट कर रहा है और डिस्टेंस है एच बाई टू. तो पी इंटू एच बाई टू गिव्स यू 90 न्यूटन मीटर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 90 किलो न्यूटन मीटर. नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट
सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बेस अबाउट वाई वाई एक्सेस, अगेन 1.5 मीटर्स इज ऑन वाई एक्सेस, सो जेड वाई वाई यूज़ कर रहे हैं हम, डी बी स्क्वायर बाई सिक्स इज़ द फॉर्मूला, सो आपके पास y आ गया. नाउ द रिजल्ट इन स्ट्रेस इज डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट अपॉन बेंडिंग स्ट्रेस. तो यहाँ पे सिग्मा नॉट हो जाएगा w बाई ए पी प्लस माइनस m बाई जेड. प्लस माइनस इसीलिए हमने लिया क्योंकि एक मैक्सिमम रहेगा एक मिनिमम रहेगा. तो आपके पास w का वैल्यू अवेलेबल है, a का वैल्यू अवेलेबल है, m अभी आपने कैलकुलेट किया और z अभी आपने कैलकुलेट किया. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा 200 प्लस 40, दैट इज़ 240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सिग्मा मिनिमम हो जाएगा 200 माइनस 40 विच इज़ 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड बोथ आर कंप्रेसिव इन नेचर. सो दिस वॉज द थिंग. अभी जो चेंजेस आएगा, देखो आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है नेक्स्ट थ्री टाइप्स के लिए. तो जो चेंज आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ जेड के वैल्यू में चेंज आएगा, बाकी पूरा स्टेप सबका सेम रहेगा. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट यू कैन राइट मी एट prpsoham@gmail.com. थैंक यू.